बेगोन से अंकुर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गृह मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, हमलावरों पर कार्रवाई की मांग। बीते दिनों पुलिस कर्मी के शराबी लड़कों ने किया था पत्रकार पर हमला। दूसरे दिन नशे में धुत सिपाही ने कार्यालय के आसपास आकर मचाया उत्पात। बेगमगंज रायसेन के में पत्रकार पर देर रात हुए हमले के विरोध में नगर के पत्रकारों ने एक तहसीलदार को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमला करने वाले बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि सभी लड़के पुलिस कर्मियों के परिवार से हैं, इसलिए उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और पुलिस आतंक फैलाने वालों को संरक्षण देने में लगी है। करीब तीन दिन पहले रायसेन में पत्रकार चेतन राय पर नशे में धुत युवक ने हमला कर दिया था। वहीं रात करीब 12:30 बजे किसी रिश्तेदार को अपने घर छोड़ने जा रहे थे, तभी सांची रोड पर चिनार पार्क के सामने अचानक 4-5 लड़के उनकी बाइक पर टूट पड़े। जैसे उन्होंने खुद को बदमाशों से बचाया और इस घटना के बाद सिपाही को लेकर मौके पर पहुंचे, तब बदमाश वहीं खड़े मिल गए, लेकिन सिपाही ने उन्हें पकड़ना तो दूर, उल्टा उन्हें वहां से भगा दिया, जबकि सिपाही के सामने ही बदमाश गाली गलौज और हाथापाई पर उतर गए थे। सिपाही सभी को व्यक्तिगत रूप से परिचित था, इसलिए उसने उन्हें पकड़ने में रुचि नहीं दिखाई। दूसरे दिन उसी सिपाही जयवीर ने वर्दी का रूप दिखाते हुए नशे में धुत होकर पत्रकार को अपनी दहशत दिखाने के लिए मनसा से सांची तिराहे स्थित कार्यालय के पास जमकर उत्पात मचाया। हालांकि उस समय तक कार्यालय बंद हो चुका था। सिपाही ने वहां खड़े लोगों के साथ मारपीट की तथा वहीं गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की। इस हरकत पर विरोध में सैकड़ों देवास से हमारे संवाददाता जीवन पंचाल की रिपोर्ट। देवास, भोपाल गैस कांड की तरह देवास में भी यदि प्रशासन समय पर नहीं जागा तो यहाँ पे भी कभी भी बड़ी औद्योगिक दुर्घटना हो सकती है। श्रम विभाग का हेल्थ एंड सेफ्टी विभाग भ्रष्टाचार पर सुरक्षा मानदंडों के खिलाफ खिलवाड़ कर रहा है, अनदेखी कर रहा है। इसका खामियाजा कभी भी देवास की जनता भुगत सकती है। ऐसा ही एक छोटा उदाहरण बुधवार की रात में देखने में आया। औद्योगिक क्षेत्र स्थित कार्मिकल फैक्ट्री में के पास कंपनी से आए धुएं के कारण हुई आधा दर्जन लड़कियां और महिलाएं और कंपनी स्टाफ बीमार हो गई। उल्टी और घबराहट की शिकायत के बाद कुछ लोगों को तो घर भेज दिया गया और कुछ को संस्कार हॉस्पिटल जाँच के लिए लाया गया। बताया जा रहा है कंपनी के पास स्थित नवीन फ्लोरीन से जहरीला धुआं आने के कारण सभी की तबीयत खराब हो गई थी। गैस रिसने से घटना के तुरंत बाद मामले को दबाने का भी प्रयास शुरू हो गया था। हॉस्पिटल प्रबंधन ने भी पुलिस को सूचना देना उचित नहीं समझा और मीडिया को भी कवरेज करने से रोकने का प्रयास किया। औद्योगिक क्षेत्र स्थित कार्मिक फैक्ट्री के बुधवार रात करीब 10:30 बजे के बाद कंपनी रात में हमें सूचना मिली थी कि कुछ महिलाएं यहाँ पे संस्कार हॉस्पिटल में जो है श्वास के प्रॉब्लम से भर्ती हुई है। तो उस कंपनी में तो मैं स्वयं कंपनी में एक हमारी कंपनी है कमिंस होलसेट, कमिंस होलसेट कंपनी की महिला जो है वहाँ पे गई हुई थी, तो मैं कमिंस होलसेट में गया था। वहाँ पे 9:30 बजे के उन लोगों का ये कहना है कि इधर से कुछ धुआं आया था कंपनी के बाहर बाउंड्री के बाहर से, उस धुएँ से उनको जो है खांसी और उल्टी जैसा लगा। तो उन्होंने उस कंपनी से 20 महिलाएं थे करीब, उनकी छुट्टी कर दी, उनको घर भेज दिया था, कंपनी बंद कर दी थी। कि इस प्रकार की कोई ऐसी जैसे एकदम बातें आई थी, अभी प्रथम दृष्टया तो नहीं आई, फिर भी हमने हॉस्पिटल से तहरीर प्राप्त कर ली है और उसकी जांच पूरी प्राथमिक तौर पर सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर, इससे बीच में या रूटीन चेकअप या प्री मेडिकल चेकअप हमारे यहीं होते हैं। रूटीन में भी लड़कियों की शिकायत है कि उनको दस्त उल्टी जैसा हो रहा है, घबराहट टाइप हो रही है, तो उसके रूटीन चेकअप के लिए उनकी जो नाइट शिफ्ट वाली सेकेंड शिफ्ट वाली जो बैच है उसमें 4-5 लड़कियों को उल्टी जैसा मन में हो रहा था और आंखों में बहुत जलन हो रही थी, उसकी रूटीन चेकअप के लिए आए थे। किस वजह से हुआ था सर ये, क्या उनका कहना था कि उनको जो पास में नवीन केमिकल फैक्ट्री है वहाँ से जो क्लोरीन गैस है उसकी वजह से शायद उनको ऐसा तकलीफ हो रही है शायद। सर सूचना है सीहोर से हमारे संवाददाता कवि छोकर की रिपोर्ट। बस और ट्रक की भिड़ंत, 25 यात्री घायल। राय बस सर्विस की बस थी, सीहोर से भोपाल जा रही थी, ग्राम चंदेरी के पास आमने सामने टक्कर हुई। बस और ट्रक की भिड़ंत में 25 यात्री घायल।